कुछ खाने को दिलवा दो। हट, हट यहाँ से। दादा आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, जब तक आप मुझे कुछ खाने को दिलवाओगे मैं यहाँ से नहीं हटूंगी। अबे तू चल ना, ये बिना मतलब के ड्रामे दिखा रही है, तू चल देख अभी हटेगी मिनट से पहले। चल यार, क्या ड्रामा है ये यार इसका। ए ए उठ यहाँ से, चल हट यहाँ से। आपके आगे हाथ छोड़ती हूँ, मेरे बच्चों ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, आप कुछ दिलवा दो। अरे हमारे पास पैसे नहीं है गुल्ले, कहाँ से तू, तेरे को हट जाना यहाँ से, बोल तो रहा हूँ। मैं नहीं हटूंगी, या तो आप मुझे कुछ सामान दिलवाओ या फिर गाड़ियाँ मेरे ऊपर से लेके जाओ। अरे तेरे पास है क्या पैसे, कुछ दे दे यार इसे। अरे पैसे नहीं है यार। अरे नहीं है हमारे पास, बहुत तो रहे हैं, हट यहाँ से, हमें लेट हो रहा है, चल। साहब साहब मेरे पास बात नहीं है, साहब मैं ज्यादा कुछ नहीं चाहती, कुछ थोड़ा सा सामान करने का। चल एक काम कर, जो हमने खाया है ना वो ले ले यहाँ से, दाल ले ले और 10 रोटी ले ले, चला। साहब मुझे पका हुआ खाना नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ कच्चा खाना चाहिए। अच्छा कच्चा खाना दिला दूं तेरे को है, और फिर तू वो आगे जाके बेच दे, हमें बेवकूफ बना रही है। चल जा यहाँ से, अब तो कुछ नहीं दिलाएंगे तेरे को, भाग यहाँ से। मैं सच बोलती हूँ, मैं अपने बच्चों की कसम खा के बोलती हूँ, मुझे अपने बच्चों को खिलाना है। क्या करूँ मैं, अरे तू दिलवा दे यार। भैया एक 5 किलो आटा और 1 किलो नमक दे दो इसको। ठीक है भैया, ले लो जी। ले लो, कितने पैसे हो गए? 250 रुपये हो गए भैया। भेज दिए भैया? हाँ जी आ गए। धन्यवाद। सुन मैं क्या कह रहा हूँ, इसका पीछा करते हैं, अगर इसने ये सामान बेचा कहीं जाके तो इसकी फिल्म बनाएंगे। हाँ वैसे भी हम तो खाली हैं, चल। ये तो सच में अपने बच्चों को रोटी खिला रही है। अरे साहब आप यहाँ तक आ गए? हाँ वो हम देखने आए थे कि तुम इस सामान से अपने बच्चों को रोटी खिलाती हो या बेच देती हो। अरे नहीं नहीं साहब, मैं रोटी खिला रही थी, आप आ ही गए तो लीजिए। सब्जी? सब्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, ये नमक वाली रोटी है। अरे तो हम तुम्हें बना हुआ खाना दिला रहे थे, बनी हुई दाल और रोटी, वो ले लेती, वो खाती, वही खिलाती अपने बच्चों को भी। साहब वो खाना सिर्फ एक बार ही चलता, मगर ये आटा और नमक 10-15 दिन तो चली जाएगी। मैं कभी भीख नहीं मांगती, लेकिन इस बार मेरी मजबूरी थी, मेरे बच्चे भूखे जो थे सुबह से, जब तक ये आटा और नमक चलता है तब तक मैं कोई काम ढूंढ लूंगी। इन बच्चों के पापा कहाँ हैं? साहब वो ये दुनिया ही छोड़ के चले गए। देखिए मैं आपकी ज्यादा कुछ मदद तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ इतना जरूर कर सकता हूँ, जिस दुकान से हमने ये आटा और नमक लिया है ना, मैं उसको ऑनलाइन पैसे और भेज देता हूँ। ठीक है, तो आप उससे जाके ना दालें भी ले लेना 4-5। ठीक है, और ये पीछे से पीछे वाली गली है ना, वहाँ पे एक ऑफिस है, वो मेरे अंकल का है, तो आप मेरा नाम लेके वहाँ पे अगर बात करोगे ना, वहाँ पे हरीश बोलोगे और बात करोगे, तो वो ज़रूर आपको कुछ ना कुछ काम भी देगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये रोटी मैं ले जाऊँ? हाँ बिल्कुल।